लास्ट वाले उसमें हमने क्या किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर दिया था हमने, बेसिकली करा था कि जब भी हम आइसोमेरिज्म करते हैं दे आर गोइंग टू बी टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, वन विच इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द अदर वन विच इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने चार तरह के किए थे, वन वॉज लिंकेज, अदर वन वॉज हाइड्रेट, वन वॉज कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड वन वॉज चार करे थे कौन से थे वो चार, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. राइट, और फिर उसके बाद हमने स्टीरियो आइसोमर्स करे. स्टीरियो आइसोमर्स में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया, उसमें हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे दैट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले लेट्स गो ऑन टू सर्टेन टर्म्स. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज हम कोई भी एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम रखते हैं इन द पाथ ऑफ पोलराइज्ड लाइट. ओके, अगर वो पोलराइज्ड लाइट रोटेट होती है टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, तो उन सब्सटेंसेस को हम ऑप्टिकली एक्टिव बताते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. यू कैन राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द plane of the plane of polarized light either towards left or towards right, that is known as ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, अब पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? पोलराइज्ड लाइट वो होती है विच हैज ओनली वन डायरेक्शन. राइट, सो पोलराइज्ड लाइट इज विच हैज ओनली वन डायरेक्शन. पोलराइज्ड लाइट हम बनाते कैसे हैं? हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है और जब हम उससे लाइट पास कर रहे हैं तो लेट्स से दैट लाइट इज ट्रैवलिंग इन ऑल दीज डायरेक्शंस. हम इसको पास करते हैं थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिज्म व्हिच इज नोन एज द निकोल प्रिज्म. दिस यू विल आल्सो डू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो निकोल प्रिज्म के थ्रू हम लोग करेंगे इसको पास. जैसे ही हम इसको निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, we see that the light that becomes polarized light, right? So ye sari directions mein thi, now this is going to be only in one direction. So this is what a polarized light is. Jab is polarized light ko hum through a solution again pass karenge, to if it is rotating towards right, if the plane of polarized light is rotating towards right, then this is known as what? It is known as dextrorotatory. The substance that will be known as dextrorotatory. Or agar ye rotate hoti hai towards right, towards left, then it is known as labiorotatory. ठीक है, so dextrorotatory and labiorotatory. Clear हो गया? So this is going to be the polarized light and how the substances they are going to affect the polarized light. ठीक है, Now, जब भी हम लोग ऑप्टिकल ये क्या कहते हैं उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स करते हैं, तो हम इसमें एक और चीज करेंगे कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं
single isomers, they are said to be what? They are said to be non-superimposable. Non-superimposable. Mirror image of each other. Such substances which are non-superimposable mirror images of each other, they are going to be optically active. Jaise for example, agar humne ye is tarah se ek glass liya, yahan pe humne ek mirror place kar diya, theek hai? So आप देखते हो कि इसकी मिरर इमेज इस तरह से आएगी, ओके? अब अगर आप इसको यहां से उठा के 180 डिग्री पे रोटेट करके इसके ऊपर रखोगे तो ये इसकी सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगी, राइट? तो जैसे आपने इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो पिछले वाला जो हमारे पास ग्लास पड़ा है वो हमें नजर नहीं आएगा बिकॉज द इमेज दैट इज गोइंग टू बी सुपरइम्पोजिबल, ओके? बट इफ सपोज यू आर टेकिंग योर हैंड, अगर हम हैंड की ये वाली मिरर इमेज होगी, हम इसको 180 डिग्री रोटेट करके अगर इसके पीछे लगाएंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? थंब इज नॉट सुपर इम्पोजिंग ऑन द थंब. सच इमेजेस दे आर नोन एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. ठीक है, सच इमेजेस दे आर गोइंग टू बी नोन एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पी. पी की जो मिरर इमेज बनेगी That is going to be this, right? Again, इसको आप 180 degree rotate करोगे तो ये क्या बन गई? Superimposable mirror image. ठीक है? So these are alphabets. Similarly, if you're taking A, A will also be superimposable mirror image. तो compounds which are non-superimposable mirror images, they are going to be optically active. ठीक है, और सेकेंडली हम लोग क्या यहाँ पे बोलते हैं कि ऑल दोज कंपाउंड्स, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाद में करेंगे कि व्हेन वी आर पर्टेनिंग टू कार्बन एटम्स, ऑल दोज कंपाउंड्स जिनके पास नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज होती है या जिसके पास एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिसके साथ चारों के चारों जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट इज अगेन नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक. But over here, हम सिर्फ coordinate compounds का देखते हैं. So let's take a few examples of non-superimposable mirror images. Let's take an example. हम ले रहे हैं, we have आपके पास है cobalt, three positive. Okay? Let's draw the structure. Octahedral complex है. This is going to be octahedral, okay? और इथाइलीन जो है that is a bidentate ligand. So ये इथाइलीन यहां आ जाएगा, एक इथाइलीन हम यहां पे ले लेते हैं और एक इथाइलीन हम यहां पे ले लेते हैं. ठीक है, now when we are drawing the mirror image of this, so mirror image क्या हो गया? We have cobalt. ये आ गया. ठीक है, सो यहां पे हमारे पास इथाइलीन किस साइड आ जाएगा? दिस इज इथाइलीन, फिर ये वाला इथाइलीन आ गया और फिर हमारे पास ये वाला इथाइलीन आ गया, राइट? अब जब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स को इसके यहां से उठा के और इसके ऊपर रखेंगे तो क्या इथाइलीन इथाइलीन के ऊपर आ रहा है? नहीं, क्योंकि इथाइलीन दैट इज गोइंग टू कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला इथाइलीन इज आल्सो गोइंग टू कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो ये जो मिरर इमेजेस बनेंगी दे आर गोइंग टू बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर.
COCLEN पोल ट्वाइस COCl2 with a positive charge, right? Again ये भी octahedral है, okay? So अब हम पहले इसका trans isomer लेते हैं. So trans isomer में chlorines they are going to be at the opposite position. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6, right? So यहाँ पे आ गया chlorine, यहाँ पे आ गया chlorine. This is going to be the structure, right? अगर हम इसका mirror image दें, तो mirror image इसकी क्या हो जाएगी? This is going to be the mirror image. ये वाला जो हमारे पास है, as chlorine they are on the opposite side, so these are going to be what? They are going to be trans, right? So यहाँ पे जब हम इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखेंगे, this is going to form superimposable mirror image. Therefore, जो trans isomers होते हैं, they are going to be optically inactive. Have you understood? अब इसी का हम cis लेके देखते हैं. Cis में क्या होगा? In case of cis, the chlorine that is going to be on the adjacent position. So we have chlorine and ethylene. Ethylene diamine, ठीक है? और we have ethylene diamine here also. जब इसका हम isomer बनाएंगे, optical isomer या इसकी हम mirror image बनाते हैं, तो इसकी mirror image देखो कैसे बनती है. We have एक ethylene diamine ये वाला यहाँ पे आ जाएगा. This is going to be the structure, ठीक है? अब अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, तो chlorine is going to come on this position, so this is going to form what? Non-superimposable mirror image. Non-superimposable mirror image, ठीक है? तो ये non-superimposable mirror image अगर हो जाती है, तो this is going to be what? Optically active. So you have to remember कि जो trans isomers होते हैं, they are going to be optically inactive, और जो cis isomers होते हैं, they are going to be optically active. Have you understood? So this is what optical isomerism is. Then we come to the next topic, which is very very important. इसमें से तुमको एक question जो है, वो mostly आता है, that is bonding in coordination compounds. So we have bonding in coordination compounds. When we doing the bonding in coordination compounds, तो हम लोग Valence coordination theory के accordingly हमने क्या पढ़ा था कि there are ligands which are directly attached to the central atom, ठीक है? तो bonding जो होगी, that is going to be in between the ligands and the central atom, और जो counter ion है, उसकी bonding directly central metal atom के साथ नहीं होती, तो इसलिए जैसे हम उसको aqueous solution में डालेंगे, वो अलग हो जाएगा. ठीक है, so जब हम लोग bonding करते हैं, तो we are going to discuss over here two theories. वैसे तो बहुत सारी theories दे रखी हैं, valence bond theory है, molecular orbital theory है, फिर ligand field theory है, पर हमने यहाँ पे दो discuss करनी हैं. The first one which is known as VBT, which is valence bond theory.
ठीक है. एंड द सेकेंड वन विच वी विल डिस्कस इज द सीएफटी. Which is known as crystal field theory. Okay, so let's move on to the first one over here, VBT, valence bond theory. Valence bond theory जो थी, उसमें बहुत सारे assumptions थे जो कि दिए गए. जैसे क्या assumptions थे? Write down the first assumption. The central metal ion in the complex makes available. The central metal ion in the complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordinate bonds. So, जो central metal है, it is going to provide empty orbitals. ठीक है? Number two. The orbitals of the central metal atom, that is S, P and D, having the same comparable energy, will undergo hybridization. Same comparable energy will undergo hybridization. ठीक है. Then number three, the d orbitals which are available for hybridization may be nd or n minus 1d, maybe nd or n minus 1d. ठीक है. सो मतलब कि अगर हमारे पास 3s और 3p कर रहा है, या चलो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 4s और 4p कर रहा है हाइब्रिडाइज, राइट. सो अगर 4s और 4p हाइब्रिडाइज करेगा तो उसमें या तो 3d पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए या 4d पार्टिसिपेट कर सकता है. अगर 3d पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो इसको हम बुलाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और अगर 4d पार्टिसिपेट करता है तो इसको हम बुलाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. दिस वी विल स्टडी लेटर. नाउ जब हम लोग फोर्थ, इसकी अजम्पशन क्या है, पहले फोर्थ अजम्पशन लिखो. ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल containing a lone pair of electrons, right? So जो ligands होते हैं उनके पास या तो lone pair of electrons present होना चाहिए. ये lone pair of electrons अब कहाँ जाएगा? It is going to go to the empty d orbitals of the central metal atom, क्योंकि हमने बोला कि central metal atom जो है उसके पास empty d orbitals होने चाहिए. तो जो lone pair of electrons है ये coordinate bond बनाने के लिए वहां जाएंगे. या जो ligands है they should be negatively charged. ठीक है. The ligands should be negatively charged. Negative charge भी होगा तो they will have excess of electrons, so they can easily form coordinate bond with the central metal. Have you understood? Okay. फिर उसके बाद last fifth लिखो. The empty hybrid orbitals of metal ion overlap with the filled orbitals of the ligands. Overlap with the filled
ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. So, ये five इसके पास इसके postulates हैं या assumptions हैं. First assumption में हमने लिखा कि जो central metal atom है उसके पास empty orbitals present होने जरूरी है, ठीक है. So, वो ये इन empty orbitals को provide करता है for bonding. Second हमने लिखा कि जो भी उसके पास central metal atom के पास जो भी orbitals रहते हैं s, p and d, they are all going to hybridize to give us orbitals of equivalent energy, ठीक है. फिर third हमने लिखा कि या तो inner orbital can participate in or inner orbital may be empty so that may participate in hybridization or the outer orbital may participate in the hybridization, ठीक है. फिर उसके बाद ligands जो present हैं वो central metal atom को lone pair of electrons देंगे और वो जो lone pair of electrons हैं they help in forming the coordinate bond. So ligands may be those having lone pair electrons or they may be negatively charged. And finally in the fifth one we say that the empty hybrid orbitals जो कि metal ion के पास present हैं they are going to overlap with the orbitals of the ligands which have lone pair of electrons so as to form a coordinate bond. ठीक है. Now keeping this in mind, let's just go on to the structures. इन structures को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये आपको exam में 3 marks का आता है ये वाला question. Okay? Let's go on to the first one. Like first हमारे पास है Cr NH3 whole 6 3 positive complex. ओके okay. अब इन दिस केस किस तरह से आपने स्टेप्स करने हैं. सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट लिखनी है सिर्फ. सो क्रोमियम की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज गोइंग टू बी 3d5 4s1, ठीक है. अब ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr3 पॉजिटिव है दैट इज गोइंग टू बी 3d, ये 1 यहां से निकला 2 यहां से निकल गए सो दिस इज गोइंग टू बी 3d3, ठीक है. ऑर्बिटल पिक्चर हम अगर इसकी ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव 3d 4s 4p 5 ऑर्बिटल्स इसके पास, राइट. अब इसके पास सिर्फ 3d के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके नाउ हियर वी कैन सी कि देयर आर 6 लिगेंड्स. तो 6 लिगेंड्स को कितने ऑर्बिटल्स फ्री चाहिए, उसको 6 ऑर्बिटल्स फ्री चाहिए, राइट. सो यहां पे देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल्स आर फ्री. तो जो NH3 है वो यहां पे ओवरलैप करेगा टू गिव अस द कंपाउंड to these empty orbitals.
ओके सो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाने होते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर. हमारे पास एग्जांपल है CO NH3 होल 6. पॉजिटिव राइट. कोबाल्ट की जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इट इज 4s2 3d7. राइट. सो यहां पे 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 3d6 4s0. ओके so we have 3d 4s 4b. ओके अब यहां पे 3d के पास 6 है so we have 1 2 3 4 5 and 6. राइट नाउ थ्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. अच्छा एक और चीज मैं भूल गई आपको इसमें बताना कि यहां पे क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन दिस केस सो वी से दैट दिस सब्सटेंस इज और कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इट इज गोइंग टू बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. व्हाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाले जो 3d है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग. नाउ जब इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज देखी जाती है तो इसमें इट इज सीन दैट दिस कंपाउंड जो कि हेक्सा अमीन कोबाल्ट वाला कंपाउंड है दिस इज यू कैन से डायमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है नाउ बिकॉज दिस इज डायमैग्नेटिक तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए तो इन दिस केस वी नीड हाउ मेनी empty orbitals 6 again और इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 only तो दो orbitals हमको ये वाले खाली करने हैं. उसके लिए हम बोलते हैं in this compound there is going to be forced pairing which is going to take place. Okay forced pairing is going to take place so we have now three positive. राइट तो फोर्स पेयरिंग का मतलब क्या हुआ, ये आ गया. ओके फिर यहां पे हमारे पास आ गया 4s और यहां पे हमारे पास आ गया 4p. फोर्स पेयरिंग का मतलब हुआ कि ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है there are two orbitals now which have become empty. Total number of empty orbitals 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है there are going to be 6 empty orbitals. So what do we say over here, अब यहां पे NH3 is going to give its electrons. ठीक है उसको आप overlap को show कर सकते हो like this. Right? So we have
Now let's take one example जिसमें हमारे पास outer D complex बनता है. So outer D complex के लिए we are taking COF6 negative. Okay, this is what we are going to take over here. Again, cobalt electronic configuration is going to be 3d7 4s2 और CO3 पॉजिटिव कितनी हो जाएगी 3d6. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ इट. सो वी हैव ओवर हियर 3d. So this is going to be the arrangement, CO3 positive. Experimentally it is seen that this is a paramagnetic substance. So agar wo paramagnetic substance hai, to yahan pe hum log forced pairing nahi kar sakte. Okay? So agar hum yahan pe forced pairing nahi karenge, then your outer D complex that is going to participate in bonding. Okay? So what do we have over here now? We are also going to draw 4D over here. 4D we draw करेंगे, ठीक है? So हमारे पास ये वाले as it is ही रह गए. We need again 6 empty orbitals because there are 6 ligands which are present. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. ठीक है? So यहाँ पे आ गया. Five and six. So this is fluorine, ma'am. Upar three negative hai to wo nahi mana. Dekh, three negative hai to iski six negative hui na. So agar aap iski coordination number nikaloge to x -6 = -3. So x will become equal to +3 only. इसपे 3 positive इसलिए था क्योंकि ये जो ammonia वाला ligand है that is neutral. तो यहाँ पे ये 0 आ जाता है, x plus 0 that is equal to 3. ठीक है? So यहाँ पे भी oxidation number that is going to be +3. Got it? So आप इस तरह से इसको show करते हो. Okay? So इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा practice करनी है. जितने भी compounds आपको NCERT में दिए हुए, try to draw all of them. Now in the जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जैसे substance है, experimentally this is going to be paramagnetic in nature and this is going to be outer D complex. Okay, this is going to be outer D complex. Now, ऐसे आपको वहाँ पे जब आपको examination में question दे रखा होता है, तो वहाँ पे नहीं आपको बताते कि ये paramagnetic है कि ये diamagnetic है. तो उसके लिए हम लोग next जो theory करेंगे crystal field theory, उसमें आपको बताऊँगी कि कौन से ligands जो हैं वो forced pairing करते हैं और कौन से ligands forced pairing नहीं करते हैं. क्योंकि valence bond theory का ये एक बहुत बड़ा drawback था कि उसने हमको strong ligands और weak ligands के बारे में नहीं बताया था. तो इससे पहले experimentally it is seen in case of BBT, experimentally पहले देखते हैं कि whether it is diamagnetic or it is paramagnetic, उसके basis पे हम इसका structure जो है वो manipulate करते हैं. ठीक है, so just write down the limitations of BBT, limitations of valence bond theory. Number 1, it involves a lot of assumptions. Number 2, it only gives qualitative explanation. It only gives qualitative explanation of the complexes. Number 3, it
डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. नंबर फोर, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. Does not distinguish between weak and strong ligands.